बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया, यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बेयरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। यह डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया जाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं, तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए या इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से, और जो डीसी चुनाव है, जो डेप्यूटी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया, और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में, अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिक कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके। साथियों, मैं अनिल मसी, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की, लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन लोगों की सही जगह
जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए।